पे यमुना एक्सप्रेस वे, हालांकि यहाँ पे जा नहीं रहे क्योंकि ये भाई 100 है और ये अपनी किंग खड़ी है और ये वाजिद भाई की। ओ भाई चलो भाई R15 V3 कितने तो 111 पे है और हमारी एक गाड़ी यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो जिस वजह से सब लोग लगे हुए उस गाड़ी को स्टार्ट करवाने के चक्कर में, पता नहीं क्या ही हो गया है, गाड़ी ना अपने आप चलते चलते बंद हो गई। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। बहुत टाइम के बाद मैं निकला हूँ आज सुबह ही सुबह एक्यूरेट टाइम पे, हालांकि एक्यूरेट टाइम नहीं है, अभी भी हम आधा घंटा लेट हो चुके हैं। देखो आपको मिरर में दिख रहा होगा पीछे से 2 RX आ रही हैं और 2 RX हमारी आगे खड़ी हैं और एक ही हो गई अपनी, तो टोटल हो गई 5 RX। और अभी हम जा रहे हैं परीचौक वाले रोड पे और वहाँ पे मस्ती करेंगे जाके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, मैं पैर की चोट की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। हालांकि आज मैंने शूज़ वेयर किए हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे चोट लगी है ना वहाँ पे वो लग सा रहा है हल्का सा, बट कोई नहीं, मज़े लेंगे RX के। और ये बहुत सारे बाइकर और बाइकर से मजे लेते हुए हम, और आगे हमारे दोस्त जो हैं वो मिलने वाले हैं। और ये मिल गए हमारे दोस्त। और वाजिद भाई क्या हाल है भाई अभी? और गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे जहाँ पे बहुत बाइकर्स का जमावड़ा है और हमारी 5 RX और आगे ये ZX10R और एक ये CBR 1000। फाक और हम इनसे सोच रहे हैं थोड़ी सी रेस लड़ाने के लिए, लेकिन लड़ाएंगे नहीं। ओ भाई बहुत मजे आ रहे हैं यार, 120 लगा दी अपने ने। हमारे राइडर बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं क्योंकि मैं सबसे तेज चलाता हूँ बाइक और इसीलिए सबसे आगे हूँ। और ये सुपर बाइक वाले बंदों के साथ एक R15 वाला भी है, कोई नहीं इसके साथ थोड़े से मजे ले लेंगे। ओ भाई चलो भाई R15 V3 कितने पे? 111 पे है, कोई नहीं 111 पे मजे ले लेते हैं इनसे। मैं थोड़ा सा आगे जाके अभी तो इनके साथ रेस कर लूँ, फिर उसके साथ आगे जाके मैं थोड़ा सा ना वेट करूँगा, क्योंकि मेरे जो बंदे वगैरह हैं ना, ओ भाई साहब क्या खींची बंदे ने भाई, ओ हो 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 हो। अब मैं थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा क्योंकि मैं हमारे जो ग्रुप मेंबर है ना वो पीछे रह चुके हैं। उनका वेट करना लाजमी है। तो भाई अब ना थोड़ा बंदे स्लो स्लो चला रहे हैं बाइक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आगे चारों बाइक चल रही है ना वो एक तो RX 115 का इंजन है उसमें, बाकी एक 135 इधर वाली है, ये 100 है, आगे वाली 100 है। तो ऑब्वियसली बात है यार, मैं तो आगे निकल ही जाऊंगा, इस वजह से ना थोड़ा सा हमने स्लो कर दिया है कि कोई नहीं चलो सब मज़े लेके चलते हैं, राइड नहीं, मतलब मैं फास्ट नहीं चलाऊंगा, फास्ट तब चलाओ जब दूसरी गाड़ी भी आप मतलब उस लेवल की अब बनी हुई हो, तब मज़ा भी आता है चलाने में, वरना कोई फ़ायदा नहीं है यार। लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सारी बाइक जो है ना वो 110-120 क्रॉस कर ही रही हैं बहुत ईजली, देर इज़ नो डाउट। तो आज बहुत मज़ा आ रहा है सच में भाई, जो अभी पीछे R15 वाले का रगड़ा है ना, सच में भाई मज़ा आ गया, मज़ा एकदम से। तो दोस्तों हम लोग मज़े करते करते आ गए परी चौक और ये है हाईवे, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे, हालांकि यहाँ पे जा नहीं रहे क्योंकि ये भाई 100 है और ये अपनी किंग खड़ी है और ये वाजिद भाई की। पहली बार ये बाइक आपके सामने फ्रेम में आई है, ये 115 है,
प्लस ये एक 135 है, प्लस वो एक 130, सॉरी ये RX 100 है, ठीक है। तो ये कुछ पांच बाइक हैं हमारी जिनसे आज हमने राइड करी, और सच में भाई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब आगे निकलते हैं, अब यू टर्न लेके वापस जाते हैं उस रोड पे, देखते हैं उस रोड पे क्या हम जलवे कर सकते हैं। और हमारी एक गाड़ी यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो जिस वजह से सब लोग लगे हुए हैं उस गाड़ी को स्टार्ट करवाने के चक्कर में, पता नहीं क्या ही हो गया, गाड़ी ना अपने आप चलते चलते बंद हो गई। अभी मैंने धक्का मारा तो स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर से वही सीन हुआ। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या है। वाजिद भाई ने इंस्पेक्शन कर ली अपनी पूरी, और अब दोबारा से इसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या है सीन, और चलेंगे फिर कहीं रुक के चाय पानी, देखते हैं। यार सीन ये हो गया कि हमारे साथ जो एक बंदा था उसकी बाइक ख़राब हो चुकी है। अब पता नहीं क्या मैग्नेट वगैरह, कॉयल वगैरह उसका फ्यूज़ हो गया क्या, गाड़ी करंट जो है ना वो कम बना रही है, जिस वजह से उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसको आगे धक्का लगाया जा रहा है। तो थोड़ा सा यार मूड सा ख़राब हुआ, जस्ट बिकॉज़ क्या होता है, जब कोई भी राइडर आपके साथ जो राइड करता है उसकी बाइक में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर राइड का मज़ा नहीं आता है। ये देखो ये धक्का लगता हुआ इनकी गाड़ी में, ये लग रहा है धक्का, और हम भी थोड़ा सा करेंगे प्रैक्टिस धक्का लगाने की। आए अरे गियर में क्यों ले रहे हो, अरे बिल्कुल यार तुम फट इंसान हो, गियर से निकालो गाड़ी यार, पता नहीं क्या सीन है। और ये मनमोहक सा दृश्य, दो दो लोग एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। तो ये होता है यार, सारा का सारा मूड खराब हो जाता है कोई भी बाइक जब आपके साथ वाले की खराब होती है तब। ये आती हुई बाइक है एक, ये बिल्कुल खत्म गाड़ी। और ये तब भी सही है यार, वो तो बिल्कुल ही उसने आज लजा के रख दिया। तो फाइनली हम अपने घर की पार्किंग में आ चुके हैं, और गोप्रो की बैटरी जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो भैया कैसा रहा तुम्हारा RX का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम आज? सेकंड टाइम फट के आ रहा है। तो पता नहीं क्या ही हुआ यार इस गाड़ी में, देखते हैं इसको चेक करवाते हैं अभी थोड़ी बहुत देर में, और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई बिलीव आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना यार वीडियो। मिलते हैं आपसे फटाफट से नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि नेक्स्ट संडे और ज्यादा RX के साथ। बाय बाय।